नामुमो करे संघर्ष के बाद मिली उपलब्धि को भजाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। झारखंड सरकार के परिवहन एवं कल्याण मंत्री चंपई सोरेन के हस्तक्षेप के बाद एमपीएल ने स्वर्गीय विजय किश्को के परिजनों को मुआवजा और पुत्र को नौकरी दी थी। हालांकि इसके लिए कई दिनों तक शव के साथ प्रदर्शन करना पड़ा था। झारखंड मुक्ति मोर्चा को कड़ा संघर्ष करना पड़ा। एमपीएल मैनेजमेंट झुकने को तैयार नहीं था, बात भी करने से इनकार कर दिया था। नौकरी और मुआवजा दिलाने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा स्वर्गीय विजय किश्को के ब्रह्म भोज की तैयारी के लिए गुरुवार को धनबाद जिला समिति ने बैठक की और निर्णय लिया कि ब्रह्म भोज पार्टी करेगी। 13 सितंबर को विजय किश्को का ब्रह्म भोज है। इस दिन परिवहन एवं कल्याण मंत्री चंपई सोरेन भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं ने कहा कि विजय किश्को के निधन के बाद मुआवजा एवं रोजगार के लिए आंदोलन कर रहे परिवार को झारखंड सरकार के परिवहन एवं कल्याण मंत्री के प्रयास से टाटा पावर में स्थायी नौकरी और 15 लाख का मुआवजा मिला है। नियुक्ति पत्र और मुआवजा मिलने के समय मंत्री मौजूद थे। उसी क्रम में मंत्री ने निर्देश दिया था कि पार्टी स्तर पर ब्रह्म भोज की व्यवस्था की जाए। झारखंड मुक्ति मोर्चा धनबाद जिला समिति अभी हाल तक में आपस में लड़ती भिड़ती रही है। सालों तक यहाँ रमेश चुडू और पवन महतो की समानांतर जिला समिति काम करती रही है। विवाद जब काफी बढ़ गया तो केंद्र नेतृत्व ने धनबाद समिति को भंग कर एक संचालन समिति की घोषणा कर दी। फिर संचालन समिति की अनुशंसा पर लकी सोरेन को जिला अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद विजय किश्को की मौत के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एकजुटता दिखाई और किसी की बात नहीं सुनने वाले एमपीएल को झुकना पड़ा। किसी की बात नहीं सुनने वाला एमपीएल मैनेजमेंट रविवार को बैकफुट पर आ गया। विजय किश्को की पत्नी को 15 लाख रुपए मुआवजा और बेटे को टाटा पावर में नियुक्ति पत्र देने पर राजी हो गया था। शनिवार को झारखंड सरकार के परिवहन एवं कल्याण मंत्री चंपई सोरेन के हस्तक्षेप के बाद भी मामला नहीं सलटा था। शनिवार को प्रबंधन कुछ सुनने को तैयार नहीं था, लेकिन मंत्री के हस्तक्षेप के दूसरे दिन रविवार को मामला कुछ उल्टा दिखा और प्रबंधन चुप गया। समझौता हो गया और लगभग 105 घंटे के बाद आंदोलन स्थल से लाश उठी थी। धनबाद से ब्यूरो रिपोर्ट।